बेसिकली देखिए क्या है, मैं वही कह रहा था, मैंने पूरा एक वेब सामने रखा था, ये www है। पार की भी बात करते हैं, हम लोग इस वर्ल्ड वाइड वेब में ही जी रहे हैं, यानी कि इस वेब में एक तुम्हारा होना है, फिर उसी वेब में किसी दूसरे का होना है, तीसरे का होना है, कलेक्टिवली वो पूरे वेब को चला रहा है, लेकिन तुम भी तो उस वेब में इनपुट दे रहे हो। तुम्हारा इनपुट किसी और एक्टिविटी को ट्रिगर करता है, दूसरे का इनपुट किसी और एक्टिविटी को ट्रिगर करता है, अल्टीमेटली उससे पूरा वेब प्रभावित होता है, सिस्टम पूरा प्रभावित होता है, और पूरा सिस्टम ही उस समय तुमको धक्का दे रहा होता है। इसीलिए गुत्थी जो है वाइस वर्सा, तुम्हारा इनपुट भी काम कर रहा है, लेकिन अकेले तुम्हारा इनपुट ही काम नहीं कर रहा है, यही गुत्थी है। देखिए रायट्स में जो है पूरी कलेक्टिव टेंडेंसी हावी हो जाती है, लेकिन ये उनका कंडीशन ढांचा था, लेकिन अगर उन लोगों का कंडीशन ढांचा बदला गया होता, मीनवाइल भगवान बुद्ध ने वही तो काम किया। तुम खुद सोचो कि जिस व्यक्ति ने तथाता का दर्शन दिया और वही व्यक्ति घूम घूम कर लोगों को अपनी देशना दे रहा है, क्या ज़रूरत थी? बात समझ में आ गई, सब हो रहा है, अपने घर में बैठो, ये सब होता रहेगा। तो तथाता समझने में इनपुट बदलने की बात भी है, जिसको न्यू एज थिंकर्स कहते हैं, चेंजिंग द क्रिटिकल मास ऑफ कॉन्शियसनेस। न्यू एज थिंकर्स उसको क्रिटिकल मास कहते हैं, एक निश्चित मात्रा किसी विचार की अगर पैदा की जाए तो वो एक बदलाव लाती है। तो सामाजिक ढांचे में भी एक अगर निश्चित मात्रा किसी विचार की बदल जाए तो कंडीशनिंग बदलेगी और ऐन मौके पर लोगों के अंदर से कुछ और निकलेगा। अभी उनके अंदर कुछ और है, अभी उनके अंदर कुछ और है, ढका हुआ, छुपा हुआ, और फिर वो ऐन मौके पर निकल कर आ जाता है। इसलिए हमको अपने व्यक्तिगत तौर से भी काम करने हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करने। और तुम कितना कर पाओगे ये उस समय के कलेक्टिव क्रिटिकल फ्लो पर डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन फिर भी ये सुंदर है कि तुम कोशिश करो। कोशिश करना अच्छा है, जहाँ तुम नहीं कोशिश कर पाओगे वहाँ नहीं ही कर पाओगे, उसकी कोई चिंता नहीं। तो कलेक्टिव कंडीशनिंग अगर बदली जाएगी तो लोगों के अंदर का व्यवहार भी बदलेगा। अभी क्या है, हमारी सारी कंडीशनिंग फिलोसॉफिकल जार्गन्स के बीच में ढक गई है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अंदर की हमारी वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ और जितनी इत्तियाँ हैं वो सब बिल्कुल अलग है। हम बात कुछ और कर रहे हैं, हमारा अंदर कुछ और चल रहा है। हम ध्यान में जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य रूपांतरण है, संकल्प रूपांतरण है, या हम ध्यान में जा रहे हैं, हमारा संकल्प कुछ और। तुम किसी ध्यान में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? प्रसिद्धि की आकांक्षा है, संबंध बनाने की आकांक्षा। कई जगह लोग इसलिए भी जाते हैं, मेरे पास भी आते हैं, पहले आने से पहले पूछते हैं कौन कौन आता है। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ कोई नहीं आता, कौन तो गेट के बाहर होता है, जब आते हैं तो कोई नहीं रह जाते हैं, दे आर सिंपली कॉन्शियसनेस। अब चेतना का तो कोई नाम नहीं होता, हम कैसे बताएं कि क्यों जानना चाहते हैं कौन कौन आता है, उनको पता चले कि फिर उनसे एसोसिएट करके हमें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर उनको पता चले अच्छा ये लोग आते हैं तो ये तो काम के लोग हैं, फिर चल सकते हैं वहाँ पे, ये लोग आते हैं, कहीं सुंदर महिलाएं जाएं तो लड़कों की लाइन लग जाती है। तो ऐसे ही हमारे ध्यान, साधना, मंदिर, मस्जिद, क्रियाकलाप सब बड़े छद्म हैं, स्यूडो हैं। हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, हमारे अंदर क्या है? अगर वो सचमुच में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की भावना होगी तो सचमुच में कुछ बदल जाएगा, कलेक्टिव चीज़ बदल जाएगी। और लंबे समय में दुर्घटना क्या हुई है कि हम फिलोसॉफिकल कवरिंग ओढ़ लेते हैं और अंदर की टेंडेंसीज पर काम नहीं करते।
फिर मैं तुमको भगवान बुद्ध का ही उदाहरण दूंगा, क्योंकि उनको मैं इतना ढंग से मैंने देखा है और उनके विज्ञान को, उनके साइंटिफिक एटीट्यूड को, वो व्यक्ति के अंतरतम पर काम करने का ही जोर लगातार देते रहे। इसीलिए बाहर का सारा स्ट्रक्चर ढांचे उन्होंने हटा लिया, परमात्मा ही हटा लिया, कुछ पाने की तुम्हारी सारी चाह ही हटा ली। अब तुम करोगे क्या? तुम्हें अपनी प्रसन्नता के लिए, तुम्हें अपनी शांति के लिए अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारी प्रसन्नता शांति के लिए तुम्हारी अपनी ही आंतरिक दशाएं काम कर रही हैं। जब तुम उनको देख लोगे, रूपांतरण घट जाएगा। तो इसलिए ठीक जगह पर ठीक काम जब होगा और कलेक्टिव कंडीशनिंग बदल जाएगी तो फर्क पड़ जाएगा। अब समाज में रोज़ बात होती है कितना वायलेंस है, महिलाओं के प्रति कितना वायलेंस है, सड़कें महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गई हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अपने घरों में काम करें, कानून बनाने से भी कुछ नहीं होता, आंदोलन करने से भी कुछ नहीं होता, कैंडल जलाने से भी कुछ नहीं होता। तुम अपने घर में अपने महिलाओं से, जो तुम्हारे घर में स्त्रियां हैं, उनसे कितना प्रेम करते हो, कितना सम्मान करते हो और उनके प्रति कितने सेंसिटिव, उसका कलेक्टिव जो रिस्पॉन्स है वो चारों तरफ फैल जाएगा। अगर घरों में वो वातावरण एकदम से बदल जाए तो कोई कानून नहीं बनाना पड़ेगा, एकदम से सब कुछ बदल जाए। घरों के ही लोग तो बाहर निकलते हैं ना, करता कौन है? घरों के लोग ही बाहर निकलते हैं, वही तो सारी चीज़ें करते हैं। तो अपने घरों में तुम्हारे क्या ढांचा है, उसी का थोड़ा और नज़दीक आएंगे तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा क्या ढांचा है, पहला काम तो वहीं करोगे। Thank you.